जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पार्ट 3 दीनाल मुनवरा और जुमे की नमाज। तो रास्ते बंद हैं जी, बिल्कुल। आप सुबह 8 बजे 9 बजे चले जाएंगे तो आपको रास्ते खुले हुए मिल जाएंगे, आप हरम तक चले जाएंगे। जैसा कि हम सुबह फजर की नमाज़ मैंने पिछले पार्ट में आपको दिखाया है हरम के अंदर पढ़ी, उस टाइम हमारे पास बैग थे तो वो बैग ले जाने नहीं दे रहे थे अंदर। उसके बाद रूम ढूंढा और रूम में बैग वगैरह रखे और मैं थोड़ा चैनल का काम कर रहा था, वहीं पर थोड़ी आँख भी लग गई साथ में, सारी रात गाड़ी में भी। तो बहरहाल अभी थोड़ा उठे तो हम बाहर निकले हैं तो रास्ते बंद हैं दूर दूर तक, तो अलहदा एक जगह पर बैठे हुए हैं, यहीं से नमाज जुमा अदा करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हरम की तरफ या मुख्तलिफ ज़ियारात की तरफ सफ़र होगा। जो भी होगा इंशाल्लाह ताला मैं आपको वीडियोस में लाल आपको साथ साथ यानी कि दिखाता रहूँगा। ये तो हरम शरीफ पहुंच चुके हैं, खुतबा जा रही है। आए कैसे हैं मैं आपको फिर बताऊंगा, अभी तो खुतबा जा रही है, हम अंदर जा रहे हैं कि जगह मिल जाए जी। एक तो आप जायनमाज़ देख लें मेरा, तो अभी लिया है, अभी जमात खड़ी होने लगी है, देख लें हरम शरीफ से फिर करेंगे बात। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जुमा सहन में ही पढ़ लिया और मैं आपको कुछ व्यू दिखा रहा हूँ, आप देखते हैं। जाएंगे बेसिकली ज़ियारत की तरफ, तो आपको मैं दिखाऊंगा आगे इंशाल्लाह। उस तरफ ज़ियारत है, ज़ियारत होते हुए हम जाएंगे जी अलबेक की तरफ और अलबेक से होते हुए फिर मुख्तलिफ जो मसाजिद हैं ज़ियारात के लिए उनकी ज़ियारत करेंगे। आपको एक दफ़ा अंदर से ज़ियारत करवा दूं, बाकी इंशाल्लाह ताला मैं कम्प्लीटली तसल्ली से आपको ज़ियारत करवाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपको अंदर से भी ज़ियारत करूंगा, जो मैंने टाइम लिया हुआ है वो भी आपको बताऊंगा किस टाइम का है। रात इंशाल्लाह यहीं पर है, होटल मैंने आपको दिखा दिया जैसा कि हमने बुक किया हुआ है कल तक का। इंशाल्लाह आपको कम्प्लीटली मुकम्मल तफसील के साथ ज़ियारत करवाऊंगा। आज जुमा वाले दिन का रश देख लें जी, और ये रश जुमा वाले दिन का ही है, इतना इसके अलावा आपको इतना रश नहीं मिलेगा। बाकी असर के बाद रश कम हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और जो भी सूरत हाल है इंशाल्लाह आगे आपको दिखाता जाऊंगा जी। तो मैं इस तरफ ज़ियारत माशाल्लाह गुम्बद खजरा की तरफ आ गया हूँ, जहाँ पर ज़ियारत है उस तरफ दरवाज़ा ओपन है जी, देख लें आप। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुम्बद खजरा की आप पहले ज़ियारत कर लें। अल्लाह अकबर, मैंने भी 2 साल बाद की है, हकीकत बात है 2 साल का अरसा हो गया। 2 साल पहले मैं इधर रह के गया हूँ 3-4 महीने और अभी 2 साल के बाद आया हूँ, देख लें आप। तो इंशाल्लाह आपको अंदर से भी ज़ियारत करवाऊँगा पूरी इंशाल्लाह ताला। अभी तो बाहर से गुजर रहे हैं इस तरफ, तो आपको मैंने बोला साथ साथ दिखाता चलो, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तफसील के साथ मैं रात को भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि रात को। अभी ये बाहर के शहरों से आवाम बहुत आई हुई जो आप देख रहे हैं, तो ये चली जाएगी अभी असर के बाद, आपको इधर बहुत कम बंदे दिखाई देंगे, लेकिन मैं निकलूँगा आपको जैसे कि बता दिया ज़ियारात के लिए, ये तमाम तर मसाजिद एंड ओहद और जो भी ज़ियारात होंगी मस्जिद कुबा वगैरह वहाँ से तमाम तर विज़िट करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपको उन तमाम की वीडियो भी तफसील के साथ शेयर करता रहूँगा आपके साथ। तो इसके बाद उसके बाद रात को इंशाल्लाह हरम शरीफ में यानी कि यहाँ पहुँचेंगे और आपको कम्प्लीटली इंशाल्लाह ताला तफसील से फिर दिखाऊंगा तसल्ली से। पानी पीने के लिए देख लें जी, माशाल्लाह ठंडा पानी आ रहा है इनमें, आप पिए और दबाकर पिए, देख लें ऊपर लिखा हुआ है मस्जिद नबी के सहन या वज़ू खानों में अपना सामान ना रखें वरना उठा लिया जाएगा, यानी कि जो बल्दियाँ घूम रही है वो आपका सामान उठाकर ले जाएंगे, अपना सामान यहाँ पर आप कहीं ना रखें, अपने पास रखें, ठीक है। और ये जो भाई हैं इनका हाल देख लें जी, ये मैं आपको दिखा दूँ, देख लें ये पानी भर रहे हैं और अपने सर में डाल रहे हैं उधर, तो गर्मी नहीं है अभी इतनी ज़्यादा, आप मेरे बाजू देख लें, हाँ देख लें, आपको पसीना दिखाई नहीं देगा, माशाल्लाह हवाएं ठंडी चलती हैं। तो ये बाहर निकल रहे हैं हम, पहले ये गेट नंबर 37 होता था, अभी ये गेट नंबर 365 है,
गेट नंबरों के जो नंबर थे ना पहले वाले वो चेंज कर दिए हैं। पीछे में पड़ रहा था, दौरियत भी खड़ी हुई है, एहतियात करें। मामू लोग ने इन्हों को बच के, यही बेहतर है। आपको पता है जी ये रास्ता कैसे जाता है, मैं बताता हूँ आपको। तो भूख लगी हुई है और टकाकर लगी हुई है। सुबह को नाश्ता किया जो मैंने आपको बताया था, और दाल और रोटी का सिंपल मसूम मिला नहीं था। तो अभी मखू सफ़र हैं हम और अलबेग की तरफ नज़दीक पहुंच चुके हैं। इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा अलबेग का भी विज़िट करवाता हूं, और इंशाल्लाह एक मदीना का जो अलबेग है इसकी एक अलग से कंप्लीट वीडियो भी शेयर कर दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अलबेग मदीना अलमुनवरा उसकी तरफ जा रहे हैं, इधर से आना, उसकी तरफ जा रहे हैं जी। ये जो आप गेट नंबर से निकलते हैं, गेट नंबर पहले 37 होता था, अभी गेट नंबर चेंज कर दिए हैं, 365 लिखा हुआ उसके ऊपर। तो इस तरफ आप चलते हैं, सामने ये मेन रोड है और इसके उस तरफ यानी कि दूसरी तरफ आपको भाई मिल जाएगा अलबेग ब्रोस्ट, और मस्जिद बिलाल भी उसी तरफ है, बाकी मस्जिद तो इस तरफ हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला इमाम मसाजिद की भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, और इस टाइम तो हम जा रहे हैं जी अलबेग की तरफ। बड़ी बिल्डिंग थी जी, इसमें मार्केट बहुत होती थी, सस्ते वाली मार्केट। बिल्डिंग पूरी की पूरी बंद कर दी है, अभी पता नहीं क्या मसला है। साथ में अलबेग है, और इधर कुबरी होती थी एक अलबेग का सामने, बिल्कुल आपको पता है जी पैदल क्रॉस करने वाली, वो भी ख़त्म कर दी गई है। काम वगैरह चल रहे हैं, नक्शे चेंज हो रखे हैं। मैं खुद जैसा कि आपको बताया कि 2 साल बाद मैं आया हूँ जी खुद से मदीना शरीफ। 2 साल पहले हम रह चुके हैं यहाँ पर 3-4 माह, उस टाइम मैं वीडियो मुख्तलिफ आपके साथ मैंने शेयर की है। अभी 2 साल बाद आया हूँ भाई, तो देख लें अलबेग मदीना अलमुनवरा जो कि हरम के बिल्कुल नज़दीक है। चलते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है, लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। आपको दिखाता हूँ और रेट वगैरह क्या है वो भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह रश देख लें जी, यह लाइंस लगी हुई हैं नीचे, देख लें आप यहाँ से वो वाचर वगैरह आपके यानी कि बुकिंग कर लेते हैं, फिर ऊपर से जाके मिल जाता है। तो ये है जी हरम शरीफ के साथ जो अलबेग ब्रोस्ट है, और यह लंबी लाइन देख लें जी आप उधर तक, उसके बाद अलबेग में, अलबेग में टाइम जो लगेगा वो इसके इलाज है। अलबेग ब्रोस्ट भाई एक नयाब चीज़ हो चुकी है, अभी बहुत लंबी लाइनें मिलती हैं इसमें जी। मैं वेटिंग में बैठा हूँ वो दूसरे दोस्त को मैंने लाइन में खड़ा कर दिया, रश बहुत था, तो मैं तो वेटिंग में बैठा हूँ। वो अंदर जाएगा ज़ाहिर सी बात है, लेकर आएगा इधर ही। वो सामने देख रही अंदर अलबेग है, और एक शीशे में मैं भी आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मैं बैठा हुआ इस शीशे में दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल अभी वो अंदर जाएगा तो लेकर आएगा, इंजॉय करेंगे जी। तो ब्रोस्ट आ गए और हमने खाना भी स्टार्ट कर दिया है, इंशाल्लाह ब्रोस्ट खाएंगे अभी, और उसके बाद देखते हैं किस तरफ का रुख करते हैं।